આગળ વાત કરીએ સુરતની સુરતની મેટાસ સ્કૂલની દાદાગીરી સામે આવી છે. 8 વિદ્યાર્થીઓ માટે આખી સ્કૂલને દંડ કરવામાં આવ્યો. સ્કૂલમાં 2 દિવસની રજા પણ આપી દેવામાં આવી. રજા આપતા વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. 8 વિદ્યાર્થીને એલસી આપી દીધા હતા. સ્કૂલ પર વાલીઓએ હુબાળો મચાવ્યો. મેટા સ્કૂલની બહાર પેરેન્ટ્સનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં જે પેરેન્ટ્સ છે એ અહીં દેખાઈ રહ્યા છે. ત્યારે આ પેરેન્ટ્સનું શું કહેવું છે એ વિશે આપણે એ લોકોથી જાણીએ. ક્યા કહેના હૈ બેન, ક્યા હુઆ હૈ, ક્યા હમ લોગ ये चाहते हैं कि स्कूल चालू हो, इस बच्चों की स्टडी का लॉस नहीं हो. हमने जब डोनेशन दिया सोच समझ के दिया, नॉन रिफंडेबल है. और ये एक स्कूल भी एक मंदिर है. मंदिर में आपने दान दिया था, वापस नहीं ले सकते हैं. हमें फोर्स से नहीं लिया गया डोनेशन. हमें बोला, आपसे मांगा, आपको आपकी आपने बोला कि भी डोनेशन दो, तो आपको ज़रूरत है बच्चे को पढ़ाने की, तो आपने फोर्सफुली नहीं लिया गया. और वैसे भी नॉन रिफंडेबल होता है. और इसके फीस के लिए बच्चे को आप कोई भी स्कूल में डालो, आप एक दिन एक साल पढ़ाओ, बिना फीस पढ़ाओ, दूसरे साल आपको निकाल देंगे. आपको इतने साल से पढ़ाई तो रहे हैं बच्चों को. आज का मुद्दा क्या है, आज क्यों यहाँ पे जमा हुए हो सारे के सारे? स्कूल रीओपन, स्कूल चालू करवाने के लिए. स्कूल में 2 दिन छुट्टी दे दी है तो हम यहाँ पे आए कि स्कूल चालू करवाओ. वो 8 पेरेंट्स की वजह, वो 6 और 8 बच्चे का जो यहाँ पे इशू हुआ था, उसके बाद स्कूल ने क्या निर्णय लिया? बस स्कूल वेनेसडे रीओपन कर देंगे. एनी कंडीशन स्कूल विल बी ओपन ऑन वेनेसडे. ये बस फाइनल हो गया है कि भले कुछ भी हो जाओ स्कूल ओपन होगा, कोई डोनेशन नहीं मिलेगा. हमारा बच्चे के भविष्य के लिए आए, 8 पेरेंट्स के हिसाब से पूरे 5000 बच्चे लोग डिस्टर्ब हो रहे, वो अच्छी बात नहीं है. आप फी भरो नहीं भरो स्कूल, वो प्रॉब्लम डॉट. मेरा बच्चे को कुछ भी पत्थर वगैरह कुछ भी लगा, ये लोग धमकी दे रहे, कुछ भी लगा तो उसकी जिम्मेदारी वो पेरेंट्स की रहेगी. हम लोग भी FRI करेंगे उन लोग के सामने. और स्कूल के हम मिलने जा रहे, मैं मिला नहीं हूँ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मेरे दोस्त लोग गए थे, वो लोग बोले कि भाई चालू करने वाले, पर ये लोग कल चालू करते, बाद में रात को मैसेज आ गया भाई बंद रहे, स्कूल बंद है, ऐसा तो नहीं चलेगा. हम लोग फ्री पूरी भरते, जो नहीं भरते वो लोग को बाहर रखो. आपको जो करना है वो लोग के साथ करो ना. आपको कोर्ट में जाना है, जो है XYZ जो भी मेटर है वो आप बाहर, उसके हिसाब से बच्चे के भविष्य को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है. उन्होंने जब डोनेशन भरा तो अपनी मर्जी से भरा ना, स्कूल ने फोर्स थोड़ी किया था, तो अभी रिफंड मांग रहे और स्कूल पागल है. 2005 से 2017 तक का डोनेशन कौन स्कूल वापिस देती है? जो पेरेंट्स हैं उनकी गलती है. और जो पेरेंट्स ये कर रहे हैं उनको स्कूल का स्टार्टिंग से सारा प्रोसेस पता था कि भाई इस स्कूल का क्या प्रोसेस है, तो उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने अपने बच्चों को सब जानबूझ के अगर इस स्कूल में डाला है सारा प्रोसेस जानते हुए, तो अब ऑब्जेक्शन क्यों इस चीज़ से? उनके चक्कर में दूसरे बच्चों की पढ़ाई और उनका करियर बर्बाद हो रहा है ना. स्कूल की कोई गलती नहीं है इसमें, स्कूल का कोई गलती नहीं है. आप लोग स्कूल आए हुए हो, क्या रजूआत हुई है? यही क्या है, अभी को 19 तारीख को खोलने का बोले हैं, लेकिन 19 तारीख को मेरे को नहीं लग रहा है खोलेंगे. वो तो बस वापस वही बहाना बना देंगे कि भाई 8-10 पेरेंट धमकी दे रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में पूरे स्कूल बंद कर दिया. 4000 बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 7000 बच्चे. एक 10-20 आदमी का कोई भी 20 पेरेंट्स को मैं भी लेके खड़ा हो जाऊंगा क्या, हाँ बंद करो बंद करो, तो बंद हो जाएगा. કેટલા જે વાલીઓ છે એમની અત્યારે રજૂઆત જોવા મળી રહી છે કે ક્યાંક જે છે અહીં જે બચ્ચાઓ છે, 8 જેટલા જે બચ્ચાઓ છે એમને લઈને બાકીના જે બાળકો છે, જે સ્કૂલમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ છે એમને પણ રજા આપી દેવામાં આવી છે. ક્યાંક પેરેન્ટ્સ સ્કૂલની ભૂલ નથી ગણાવી રહ્યું, પરંતુ અહીંયા જે પેરેન્ટ્સ છે, જે વાલીઓ છે એ અહીં સ્કૂલ ખાતે રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા છે કે 2 દિવસની બંધ સ્કૂલ ખોલી નાખવી જોઈએ. 8 બાળકોના વાલીઓની જે સજા છે એ અન્ય બાળકોને ના આપવી જોઈએ. કેમેરામેન ગુંજાલ ભટ્ટની સાથે રાબિયા સાલે, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત.